एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं MP बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा का चतुर्दशमी विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप क्लास 10th साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताइए, तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 10वीं विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, एक एक उत्तर वाले प्रश्न सही जोड़े और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको इसी वीडियो में सारे क्वेश्चन के आंसर आपको देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को इसको स्किप बिल्कुल भी ना करें। वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप इसकी PDF किस प्रकार से डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है। इसमें से पहला दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा H2CO3। फिर इसके बाद दूसरा दिया हुआ है, Fe+CuSO4 गिव्स आउट FeSO4+Cu, उपरोक्त अभिक्रिया उदाहरण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वृक्क की छनन इकाई कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नेफ्रॉन। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर पाँचवा दिया हुआ है, आहार नाल के किस भाग में भोजन का पूर्ण जनन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा छोटी आंत का क्षुद्रांत। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पत्ती। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, तारों का टिमटिमाना? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकीर्णन। नौवां क्वेश्चन दिया दोस्तों, रंध्र में उपस्थित रचना होती है? इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, द्वार कोष का छिद्र हरित लवक। दोस्तों, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर तैयार कर लेने। दूसरा क्वेश्चन दिया है, किसान भरो। पहला दिया हुआ है, मानव फेफड़ों की इकाई कूपिका के विनिमय में सहायक है? तो इसमें भरा जाएगा श्वसन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण उत्तर द्वारा होता है? तो इसमें भरा जाएगा सुक्रोज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, सरीसृप के हृदय में कच्छ पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। चौथा दिया हुआ क्वेश्चन, गोली दर्पण की फोकल दूरी उसी वक्त त्रिज्या की होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आदि। पाँचवा क्वेश्चन दिया हुआ, लोहे में जंग लगना का उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संक्षारण। छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारण संयुक्त होकर एकल उत्पाद निर्माण करते हैं अभिक्रिया कहलाती है? तो इसमें हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण एकल भाग कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरुरज्जु। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दो तंत्रिका कोशिका का मिलना कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इस ससी नेप से। दोस्तों, भर लीजिए अपनी कॉपी में, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया, सही जोड़ी बनाइए। पहला दिया हुआ जिप्सम, तो इसका उत्तर हो जाएगा CaSO4 × 2H2O। दूसरा दिया हुआ है जेलिक अम्ल, तो इसका उत्तर हो जाएगा COOH2। तीसरा दिया हुआ है सिरका, तो इसका उत्तर हो जाएगा 8400400400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फ़ोन पे डाउट का 8400400400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चार्ट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की, आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE NEET CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400400400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। CH3COOH। चौथा दिया हुआ है फेरस सल्फेट, तो इसका उत्तर हो जाएगा FeSO4। पाँचवा दिया हुआ है ग्लूकोज, तो इसका उत्तर हो जाएगा C6H12O6। छठा दिया हुआ है सिल्वर क्लोराइड, तो इसका उत्तर हो जाएगा AgCl। सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है व्यंजक चूर्ण, तो इसका उत्तर हो जाएगा CaOCl2। आठवां दिया हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका उत्तर हो जाएगा CaSO4 × 1/2H2O। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला दिया हुआ, नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल का नाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिट्रिक अम्ल। दूसरा क्वेश्चन दिया दोस्तों, लेंस की क्षमता का सूत्र, तो इसका उत्तर होता है P = 1/F। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होती है 10^-7 ग्राम। चौथा क्वेश्चन दिया, गोली दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो दर्पण का सूत्र होता है 1/N = 1/B + 1/U। पांचवा क्वेश्चन दिया, जठर रस का pH मान, तो जठर रस का pH मान होता है 1.5 से 3 के बीच में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वाहनों के पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए लगा दर्पण का नाम बताइए? तो इसका उत्तर देगा उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, प्रतिबिंब की
ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात, इसका उत्तर देगा आवर्धन। 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए, तो इसका उत्तर दिया हुआ है अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और लवण एक जल के निर्माण करते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है HCl प्लस NaOH, जब इसकी रिएक्शन के साथ करवाएंगे तो बनेगा NaCl प्लस H2O। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, द्विविस्थापन अभिक्रिया एवं एक उदाहरण दीजिए, तो इसका उत्तर दिया हुआ समीकरण दिया हुआ Na2SO4 प्लस BaCl2, जब इसकी रिएक्शन इसके साथ होगी तो बनेगा 2NaCl प्लस BaSO4। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्र त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, तो इसका उत्तर दिया है दोस्तों दिया हुआ है F=16 सेंटीमीटर। दोस्तों इसका आंसर आ गया, जल्दी से नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, रक्तदाब क्या है, तो इसका उत्तर दिया हुआ रक्तचाप रक्तचाप रक्त वाहिनियों की बाहरी झिल्ली पर रक्त संचार द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे। दोस्तों ये यहाँ से अब आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, तो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको तैयार कर लेने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण सहित बताइए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है वह ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। ये दोस्तों समीकरण दिया हुआ, सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर, लेंस की क्षमता बताइए, तो ये दोस्तों इसका सोल्यूशन दिया है, इसे नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण, तो ये इसका उत्तर दिया, इसे भी आप नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला दिया हुआ रक्त तथा लसीका में अंतर, इसका आंसर आपको तैयार कर लेना। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ, अम्ल क्षार में अंतर, श्वसन को ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, बाष्पीय एवं अबाष्पीय श्वसन में अंतर बताइए। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको तैयार कर लेने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आयताकार कांच के टुकड़े आयताकार कांच के गुटके द्वारा परिवर्तन का चित्र सही समझाइए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसका प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको तैयार कर लेने दोस्तों। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे फ्रेंड्स, वहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कर दें, जिससे उनको भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी मिल जाए कि उनके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।